नमस्कार साथियों, आइए शुरुआत करते हैं एक नए आगाज की। और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि 17,000 रिक्त पदों पर दोस्तों बहुत जल्द एक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 17,000 रिक्त पदों पर होगी अब शिक्षक भर्ती। ऐसा आपके सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा दोस्तों ये एक उनके प्रोग्राम में ये बात कही गई है कि बहुत जल्द आपके जो भी मैंने आपको पद बताए हैं कि 17,000 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। तो आइए आधिकारिक सूचना की तरफ आपको लेकर चलूं और यहां पर आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों आपको यह भी बताने वाला हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला था दोस्तों, उससे भी जुड़ा हुआ एक ये मुद्दा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि कुछ आरक्षण को लेकर के यहाँ पर अभी कुछ संशय बना हुआ था, जो कि लगभग 6,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो अभी तक रुकी थी। तो उनके लिए भी दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि उनके भी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे शुरू किया जाएगा या उसको भी पूरी तरह से जो एक तरीके से उसका पूर्णतया जो अभी भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं उन्हें भी बहुत जल्द पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए दोस्तों अब आपको विस्तार पूर्वक ले चलता हूँ ऑफिशियल लेटर की तरफ और आपको बताता हूँ कि क्या है पूरा मामला। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, और पहली बार यदि आप आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच करें ताकि अन्य जानकारियाँ भी आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो आइए आपको बताते हैं क्या पूरा मामला। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ आपके यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये लेटर इश्यूड है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगत से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थी थे, उनकी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थियों की होगी भर्ती, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा लेटर आपको बता दूँ कि साफ साफ ये सबसे इम्पॉर्टेंट आज का सबसे ये आप कह सकते हैं हॉटेस्ट टॉपिक है ये, जिसे आपको मैं बता दूं कि 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब आइए क्या कहा उन्होंने पूरी बात समझते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में ये जानकारी देते हुए बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपकी है उसमें पहली बात कि आरक्षण में विसंगतियों को दूर करते हुए जो आपके 6,000 रिक्त पद रह गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है भर्ती को लेकर के, तो आपको दोस्तों बता दें कि एक बड़ी भर्ती तो नहीं, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने और क्या कहा है। तो आपको बता दें कि द्विवेदी जी ने यह भी बात बताई है कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को प्रोसेस फ्लो आज दिनांक 24/12/2021 को उपलब्ध करा दिया जाएगा, और राज्य सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा जो प्रोसेस फ्लो प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन जो सूची है वो दिनांक आपकी बता दूं आपको 28 दिसंबर तक दोस्तों तैयार की जाएगी, और राज्य सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको जो भी चयन सूची दोस्तों प्राप्त कराई जाएगी उसी के आधार पर दोस्तों आपको बता दें कि 29 दिसंबर तक इसका सारा जो भी परीक्षण है वो सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे मेन चीज़ है कि अभिलेखों का जो आपकी काउंसलिंग रहेगी उसे लेकर के आपके 3 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, और 6/1/2022 मतलब 6 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र दे करके उनको सुशोभित किया जाएगा। तो आइए दोस्तों अब आपको ये भी बता दें कि आपको द्विवेदी जी ने एक बात ये भी कही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो योजित सिविल अपील संख्या आप देख पा रहे होंगे, जो आनंद कुमार जी के द्वारा मैटर वो किया गया था, तो उसके अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 1,37,000 पदों पर दोस्तों दो भर्ती प्रक्रियाएं इसमें कहा गया है करी गई थी, 1,68,500 और दूसरी 69,000। तो आपको बता दें कि उन दोनों प्रक्रियाओं की जो चयन प्रक्रिया थी उसको कराने के बाद लगभग दोस्तों आपको बता दें आप देख पा रहे होंगे प्रक्रिया कराने के बाद जो चयन प्रक्रिया थी लगभग रिक्त जो पद हैं 17,000 रिक्त पद जो बचे हुए थे उन रिक्त पदों पर बहुत जल्द नई भर्ती करने का भी निर्णय लिया गया है। तो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है जिसका इंतजार आप सभी बहुत दिनों से कर रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि वो समय अब आप सभी के लिए आ चुका है, इसलिए लग जाइए अपनी तैयारी में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोर शोर से जुट जाइए, क्योंकि हो सकता है कि ना अभी इतनी जल्दी लेकिन एक भर्ती प्रक्रिया को जरूर संपन्न कराए जाने की उम्मीदें अब दिख रही हैं, माहौल बन रहा है धीरे धीरे, हो सकता बड़ी भर्ती प्रक्रिया ना हो
लेकिन हो सकता है संभावनाएं बनते हुए आपको एक मौका मिल जाए। तो दोस्तों यहां बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करें, अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं, और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया आपको मिल जाएगा। दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।